हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मस्केंजार क्रॉनिकल्स। सो आप सभी का हमारी एक और वीडियो में वापस से स्वागत है। सो रिसेंटली हम लोगों ने दो रील्स शेयर करी थी जिसमें हमने आर्टिफिशियल प्लांट्स को अपने घर में डेकोरेट किया था और उन वीडियोस पर काफी अच्छा रिस्पांस हमें मिला और बहुत लोगों ने उन वीडियोस को लाइक किया और कुछ लोगों ने हमें सजेस्ट किया कि इट्स बेटर टू कीप रियल प्लांट्स इन द हाउस एज पर वास्तु शास्त्र। सो आप सभी का इतना प्यार कि क्यों ना ढेर सारे ओरिजिनल प्लांट्स को लगाया जाए और हमारी बालकनी को एक गार्डन में कन्वर्ट किया जाए। सो वी आर बैक विद आवर न्यूएस्ट व्लॉग जिसमें हम आपको दिखाएंगे कि हमने कैसे प्लांट्स लगाए और हमने कैसे अपनी बालकनी को गार्डन में कन्वर्ट किया। सो सबसे पहले हमने अपने घर के पास एक नर्सरी ढूंढी जहाँ हमने बहुत सारे वाइड रेंज ऑफ प्लांट्स को देखा और उनको जाना, और कुछ प्लांट्स हमें बहुत पसंद आए जैसे टेबल कामिनी, कैच मी नॉट, स्नेक प्लांट और सक्यूलेंट प्लांट्स। हमने बहुत सारे सक्यूलेंट प्लांट्स खरीदे बिकॉज हमारा दिल तो उन पर आ ही गया था। और इन सब प्लांट्स को अडॉप्ट करके हम लोग अपने घर ले आए और घर आते ही मैंने जार को बोला, जार हम तो मिट्टी लाना ही भूल गए। और जब तक मैं सोचता कि अब क्या किया जाए तब तक मस्क के दिमाग में एक शैतानी प्लान बुन चुका था। जैसे ही मैंने मस्क की तरफ देखा तो मस्क हमारे घर के सामने वाले पार्क की तरफ देख रही थी, और इतनी देर में मैं उसे कुछ कहता उससे पहले ही वो बोली कि बाल्टी उठाओ जार, चलो पार्क में मिट्टी चोरी करने। तो होना क्या था, वो दिन भी आ ही गया जिसमें हमने 2 गज की जमीन से मिट्टी चुराई। सो अब हमने अपनी बालकनी को गार्डन में कन्वर्ट करने के लिए सब कुछ तैयार कर लिया था। और ये इतने यूनिक पॉट्स हम लोग बंजारा मार्केट से बहुत ही सस्ते में खरीद कर लाए। तो सबसे पहले हमने प्लांट्स लगाने के लिए सारी मिट्टी को स्प्रेड कर लिया और उसमें खाद यानी कि फर्टिलाइजर डाली और उसको अच्छे से मिक्स किया। फिर उसके बाद आप एक पत्थर या फिर दिया ले सकते हो और उसको अपने पॉट में होल के ऊपर प्लेस करना होता है, और ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि अच्छे से एयर पास हो सके और एक्सेसिव वाटर जो अगर कभी गल जाता है तो वो आराम से बाहर निकल सके। और उसके बाद प्लांट्स लगाने के लिए गमले को आधा मिट्टी से भर लें और फिर प्लांट को सेंटर में लगाकर मिट्टी को चारों तरफ से अच्छे से स्प्रेड कर दें और उसको थोड़ा बहुत दबाएं ताकि प्लांट अपनी जगह बना ले और रूट्स बाकी सारी मिट्टी के साथ लग जाए। और ऐसे ही हमने एक एक करके अपने सारे प्लांट्स को पॉट्स में लगा लिया। तो गाइस अब बारी आती है जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था, अपनी बालकनी को डेकोरेट करने का। सो ये गार्डनिंग ब्लॉग बनाते हुए हम लोगों का अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा और ये बहुत ही डिफरेंट, बहुत ही एक्टिविटी थी जिसको मैंने और मस्क ने काफी एंजॉय किया, और हमने ऐसी कोई एक्टिविटी पहले कभी नहीं की थी। सो गाइस ऐसी डिफरेंट डिफरेंट यूनिक वीडियोस, ऐसे व्लॉग्स को देखने के लिए आप सभी हमारे चैनल को देखते रहें, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें मस्क एंजार क्रॉनिकल्स। सो मस्क एंजार आप सभी को, हमारे व्यूअर्स को, हमारे सब्सक्राइबर्स को थैंक यू बोलना चाहते हैं जिन्होंने हमें ये बहुत ही अच्छा सजेशन किया कि हमें ओरिजिनल प्लांट्स लगाने चाहिए। और हम दोनों भी आप सभी को अर्ज करते हैं कि हर इंसान को कम से कम एक प्लांट तो जरूर लगाना चाहिए और उसकी देखभाल रेगुलर करती रहनी चाहिए। सो गाइस स्टे ट्यून्ड फॉर मोर इंटरेस्टिंग व्लॉग्स कमिंग अप सून। और हमारे चैनल को अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब बटन को दबा लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको पहले फर्स्ट हैंड मिलती जाए। सो गाइस प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल।
चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज़।